I'm feeling very happy, very honored, and I think all the awards, especially this one, is for the fans, because even after the show has been shut, fans have just been pouring love still. So I'm very happy, and a big thank you to all the fans. I don't know. बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग है, बिकॉज अच्छा लगता है कि शो खत्म होने के बाद भी लोगों को याद है और यू नो दे स्टिल पोरिंग लव ऑन यू, सो इट्स ऑलवेज अ नाइस फीलिंग. जब आनी होगी तब आप देख लेंगे. सो मच ब्यूटिफुल आई एम लुकिंग, सो मच. ओके, I want to give them so much love. बेपनाह मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बेपनाह मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू. देखिए 2018 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है. बेपनाह एक ऐसा शो है जिसे मतलब करने में भी बहुत मज़ा आया और इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया है, एंड ऑब्वियसली उम्मीद से आया हूँ. आई थिंक शो बंद हो गया लेकिन अप्रिसिएशन अभी तक थोड़ा सा कंटिन्यू है, सो थैंक यू. गॉड्स बिन काइंड पीपल, ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है. शो बंद होने के बाद आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मैजिक. ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाई, और ये जैकेट है. ये पता नहीं कौन से कलर का, बट जैकेट ही कपड़ा है, मतलब आज का जैकेट था इसीलिए. गॉड ओनली नोज मैन, आस्क गॉड एंड आस्क हिम टू टेल मी ऑल्सो. एक रोमांटिक शो के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. तालियां. आई नो यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रोमांटिक शो की से के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. आई मीन द पेयरिंग हैज बीन अप्रिशिएटेड सो मच एंड इट्स बीन लवली. मतलब आई थिंक आधा मजा ना उसकी वजह से आया है काम करते करते. यार अभी मैं कैसे समझाऊँ, सो बेसिकली हाउ आई लुक एट लाइफ इज, मैं घर पे बैठा रहता हूँ और इंतज़ार करते रहता हूँ. एक फ़ोन आता है, कभी दो आते हैं, कभी तीन आते हैं, कभी चार आते हैं, उसमें से कुछ समझ में आता है तो कर लेता हूँ. तो आई थिंक मैंने जवाब दे दिया, कोई फ़ोन कॉल नहीं है मेरे पास अभी.